नमस्कार, मैं हूं हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं न्यूज एनसीआर। न्यूज एनसीआर के खास कार्यक्रम ग्रामीण यात्रा के तहत आज हम वहां पहुंचे हैं, गांव मुस्तफाबाद में। हमारे साथ सरपंच पद के भावी उम्मीदवार पप्पी जी हैं। पप्पी जी अब इस बार दोबारा से अपनी कमर कस के चुनाव में रण में उतर चुके हैं। अब देखना यह है कि इस रण में कौन जीतता है और कौन बनता है गांव का सरपंच। आपको बता दें कि इससे पहले भी ये सरपंच पद पे रह चुके हैं, सरपंच बने थे और उसके बाद अब ये दोबारा से रण में उतर चुके हैं। आगे इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इनकी क्या रणनीति है और ये गांव को लेकर क्या सोचते हैं, क्या विकास कार्य, कैसे ये अपने गांव को प्रगतिशील विकासशील गांव बनाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद अपन का हर्षवर्धन जी। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि दर्शकों को आप बताइए, अपने गांव वासियों को आप बताइए कि आपकी क्या रणनीति रहेगी इस बार चुनाव में। सब में पहले रणनीति ये रहेगी कि हमारे गांव में अभी तक कोई विकास नहीं हुआ जी। हम 2005 में सरपंच बने जी। जितना विकास हमने कराया, अब तक किसी भी सरपंच ने कोई विकास नहीं कराया जी। और नहीं हमारे गाँव में कोई वे है अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र। समय पहले हम स्वास्थ्य केंद्र, अपने रास्ता और जी जो महिलाएं उनके लिए सिलाई की वे सिलाई सेंटर लेंगे और एक एम्बुलेंस की सुविधा करवाएंगे जी सरकार से जी। सरकार से ज़्यादा कोशिश करेंगे ग्रांट लाने की, विकास करवाने की जी। समय ज़्यादा विकास कराएंगे जी। आपने महिलाओं के लिए बताया, वृद्ध लोगों के लिए जैसे पेंशन होती है बूढ़े लोगों के लिए, तो उनके लिए आपकी क्या विचार था? वृद्ध लोगों के लिए पेंशन की, हम जो भी बैंक में जाते हैं जी, बैंक में ना जाने के कारण हम अपने वृद्ध लोगों को यहीं पेंशन घर पे मुहैया कराएंगे जी। सड़क नाली ये जो टूटे पड़े हैं सर, इसके बारे में आपकी क्या विचार? इसको सबको हम कम्प्लीट कराएंगे जी, बनवाएंगे, इसको विकास कराएंगे अपने पूरे गाँव का। पहले भी हमने विकास कराया और हमारे दाई नहीं आज तक किसी ने विकास कराया, नहीं को करा सकता जी। पप्पी जी, जैसे मैं आपके गांव में प्रवेश कर रहा था तो रास्ते बहुत जर्जर हैं, हालत बहुत जर्जर है, सड़कों पे नालियां बह रही टूटे पड़े हैं। तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? हमें सरकार से विनती करेंगे जी और विकास का ज्यादा से ज्यादा काम कराएंगे। हमारी ग्राम पंचायत में गाँव माहौलीपुर है जी, वे हमारी याद से भी 71 से भी पतन कदायक बसिया, हमें तो मालूम है नहीं, उसके लिए किसी ने आज तक कोई कार्य नहीं करवाया जी। उसके लिए हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूरी पड़ता हुए जी, कच्चा रास्ता है, अगर कोई हारी बीमारी हो जाए तो वाज गई वे मर भी सकते हैं जी। कोई साधन नहीं है, बाइक भी नहीं आ सके, इतने कम से कम 2-3 फुट गहरे गड्ढे हैं जी, ट्रैक्टर नहीं लिकड़ पाऊंगे जी। समय पहले उसको पूरा कराएंगे हम जी। आपको क्या लगता है कि जो चीज़ बुनियादी सुविधाएं, जो चीज़ मुहैया होनी चाहिए, जो चीज़ लोगों को मिलनी चाहिए गांव में, सबसे पहले अगर आप सरपंच बनते हैं तो क्या चीज़ वो रहेगी जो आप करेंगे? समय पहले था रस्तान का, जो रोड टूटे पड़े हैं जी, समय पहले रोड सही होने चाहिए। रोड सही होंगे तो हम कहीं भी जा सकते हैं जी। अगर हमारे रोड ही खराब हो पड़े हैं तो हम जा कहां सकते हैं बताओ? बिल्कुल सही। अगर रोड हमारे टूटे पड़े तो हमारी गाड़ी घोड़ा कुछ भी है यहीं पलटेंगे या ये एक्सीडेंट होंगे जी। तो इसलिए हम समय पहले अपने रोड का विकास कराएंगे, सरकार से विनती है हमारी जी। आपने रोड के बारे में बताया, मूलभूत सुविधाओं के बारे में बताया, महिलाओं के लिए सेंटर के सिलाई सेंटर के बारे में बताया, बिजली का क्या प्रबंध है यहाँ पर? बिजली सरकार कहती है 24 घंटे बिजली देंगे जी। हमारी आज के हम पलवल जिले में और खंड हमारा हसनपुर है मुस्तफाबाद गांव में, 6 घंटा लाइट मिल रही है हमें, 6 घंटे कुल जी। तो हम सरकार से विनती करते हैं हमें 24 घंटा लाइट मिलनी चाहिए जी। हम भी तो हरियाणा वासी है जी। बिल्कुल सही बात है, हम भी तो हरियाणा में रह रहे हैं, हरियाणा वासी हैं हम भी जी। अगर कोई हम और प्रांत के होते तो हम भी ये कहते भाई दूसरे प्रांत के हम जी। जी बिल्कुल सही। और क्या सुविधाएं आप लाना चाहते हैं जो आपके मन में हो, कि आप विचार रखते हो, जो आप गांव वासियों को बताना चाहते हो कि आप सरपंच बनने के बाद करें? गांव वासियों के एक तो हम ये बताना चाहते हैं, हमारे गाँव में स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र और एक लड़की का सेंटर होना चाहिए मशीन सिलाई का, जो कि हमारे बहन बेटी कहीं बाहर नहीं जा पाए, जिससे रोजगार मिले और अपने यही हमारे सिलाई बहन बेटी जी कराए जी। एक स्कूल हमारे पांचवी तलक का, हम तो सरकार से चाहते हैं हमारा स्कूल 8वीं पास तक का होना चाहिए जी। वो जो सरकारी स्कूल है वो 5वीं तक है, 5वीं तक है, तो आप उसे बढ़वाना चाहते हैं जी सरकार से कह के। जैसे कि हमने आपसे बातचीत करी, आपने महिलाओं के बारे में बताया, बच्चों के बारे में, युवाओं के लिए आप क्या सोच रखते हैं? युवा क्योंकि देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, हमारे साथ भी पीछे कुछ युवा बैठे हुए हैं जो आपके समर्थन में है, तो आप युवाओं के लिए क्या सोच रखते हैं? युवाओं को खेल का भी बनाएंगे, जो स्टेडियम हो जी, या और कोई क्रिकेट का वो हो, हर चीज़ की सुविधा करेंगे युवाओं जी, जैसे कि वो आगे खेल में आ सके। हाँ, जो कि हमारे युवा आगे खेल में
जा सके जी। आपने ये अच्छी सोच बताई अपनी। आप ये बताइए पप्पी जी कि अगर आप सरपंच बनते हैं तो और आप क्या काम सोचते हैं कि 5 साल के अंदर विकास। 5 साल के अंदर जी एक हमारे गांव में भी नहीं है बरात घर, वेंकट हॉल जी, बरात घर नहीं है, वेंकट हॉल नहीं है। हाँ वेंकट हॉल नहीं, वेंकट हॉल बना जो कि हमारी बहन बेटी इनकी शादी हो जाए, खुले में शादी हो जाए जी। और एक हमारे गाँव में माहौलीपुर गाँव है जी, उसके लिए रास्ता नहीं है, उसके लिए समय पहले हम रास्ता बनाएंगे। मैं इस गांव का हूँ मुस्तफाबाद का, पर विकास समय पहले विकास करवाएंगे माहौलीपुर का, माहौलीपुर का। उसके लिए रास्ता नहीं है और उसमें एक स्कूल होना चाहिए जी, जो कि वे 3 किलोमीटर दूरी पे हमारे गांव से, उनके बच्चे वहां से यहां आते हैं पढ़ने, बारिश हो तो भीजते हैं, ज़्यादा सर्दी हो तो सर्दी में जड़े मरते हैं, गर्मी हो तो गर्मी में उनके पैर भगड़ते हैं। नहीं रास्ता है उस गाँव के लिए, नहीं कोई स्कूल है, नहीं कोई सुविधा, कोई सुविधा नहीं उनको जी, जी, जी। तो सब में पहले हम सुविधा उस गांव कराएंगे जी, बाद में अपने मुस्तफाबाद गांव कराएंगे। जैसे कि अभी आपने बताया कि बैंकेट हॉल नहीं है और शादी के लिए आप सोचते हैं कि बैंकेट हॉल होना चाहिए, तो अभी जो हाल फिलहाल में शादियां होती हैं वो कैसे होती हैं? वे तो अपने अपने घर में होती हैं जी। अच्छा, जैसे कि घर है हमारे अपने घर में, जिन पर नहीं है वे के खेत में कर लेते हैं जी, या फिर सरकारी स्कूल या सरकारी स्कूल में कर लेते हैं जाए जी जी। आप और कुछ हमारे चैनल के माध्यम से जो गांववासी आपको अभी देख रहे हैं और दूसरे गांव के भी आपको देख रहे हैं, तो आप उनसे क्या अपील करना चाहते हैं कि आप सरपंच के लिए चुने, वो क्या सरपंच के लिए चुने जो है उनने पहले देख लिए मेरे से, बाद में अभी सरपंच जो मौजूदा सरपंच है हमारे विकास वहाँ में कहीं पांच ईंट नहीं लगाई उसने जी। खूब सरकार ने पैसा दिए, पता नहीं क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, उन पैसे इनकी भी उनकी जाँच कराई जा जी, और हम उनकी जांच कराएंगे, अगर हम सरपंच बन गए तो उनकी जांच कराएंगे जी। और आप क्या कहना चाहते हैं दर्शकों से कि आपको सरपंच बनाया जाए? सरपंच ये तो पब्लिक के ऊपर है जी, पब्लिक जो चाहेगी, जब हम अच्छे काम करेंगे, पहले अच्छे काम किए तो अब भी आगे भी अच्छे काम करेंगे जी, और जब अच्छे काम हम करेंगे पब्लिक अपने आप बनाएगी जी। और 36 बिरादरी को हम अपनी को साथ लेकर चलते हैं जी, कोई भेदभाव नहीं करते भाई ये फलाना ये वे, सारी बिरादरी सबड़ी बिरादरी को अपने साथ लेकर चलते हैं जी, या कोई गरीब है या कोई रईस जी, सब एक सम्मान रखते हैं जी। और जी समय पहले हम तो माहौलीपुर के ही कहेंगे समय ज़्यादा, कि माहौलीपुर गांव में स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र और जी रोड जी सड़क, उसके समय पहले उनको होना चाहिए जी, और उनकी हम कराएंगे, हम सरपंच बन गए जी, अपने गांव का बाद में कराएंगे। पप्पी जी जैसे आपने बताया कि आप 36 बिरादरियों को साथ लेके चलते हैं जी, तो जो गरीब लोग हैं, जो गरीब स्तर के लोग हैं, उनके लिए आपकी क्या विचारधारा है? जो बीपीएल कार्ड वाले लोग होते हैं उनके लिए आप क्या सोच रहे हैं? उनके लिए जी हमारी ये वे है कि जो बीपीएल कार्ड वाले हैं जी वे अनपढ़ हैं जी, और अनपढ़ होने के कारण उनका जो भी राशन मिलता वे पीछे दबे हुए रह जाता जी, और अगर हम सरपंच बन गए तो उसे एक एक दाना दाना उनके घर तक पहुंचाएंगे जी, जो स्कीम सरकार बनाती है वो उन तक नहीं पहुंचती, उन तक नहीं पहुंचती, वो स्कीम है हम उनके घर तक पहुंचाएंगे ले जाएगा जी, सरकार से ले आएंगे और उनके घर तक पहुंचाएंगे जी। जैसा कि आपने देखा मैंने इनसे बातचीत की और इनके बहुत अच्छे आकर्षक विचार हैं, ये चाहते हैं कि दोनों गांवों को साथ लेके चलें, 36 बिरादरियों को एक साथ लेके चलें, बिना भेदभाव के सब में प्रेम हो सौहार्द हो। हमारे साथ कुछ ग्रामीण अंचल के इसी गांव के कुछ समर्थक भी बैठे हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। आपको क्या लगता है कि युवाओं के लिए क्या चीज़ गाँव में बहुत ज़रूरी है और जो अभी तक नहीं हुई है, आप क्या कहना चाहेंगे? युवा के लिए कुछ भी यहाँ पर हो नहीं पाया अभी तक, नहीं कोई सरपंच, जब हमारे सरपंच थे तो थोड़ा काम हो पाया जी, अब ये जो नया सरपंच है इसके कोई काम नहीं हो पाया। जैसा युवा के लिए जिम है गांव के अंदर या स्पोर्ट्स में कोई खेल के लिए सामान आता है जी, ऐसा कोई सामान नहीं यहां पर फिलहाल आया है गांव में, अभी तक नहीं आया, नहीं आया जी। देखो जी सरपंच जो काम बढ़िया करे और जाने कर रखे हैं वही बनाना चाहिए जी, और जो काम करे ही नहीं युवा को बनाने से फायदा भी क्या? अभी सरपंच बना दिया पिछली बार हमारे गांव बस्ती ने, दोनों गांव ने यानी कुछ नहीं काम करा, और ये पप्पी सरपंच पहले बने हो यानी बहुत कुछ काम करे, और अब भी हमें उम्मीद है कि आगे भी बहुत कुछ काम शायद हमारे लिए करे जी। तो आपका समर्थन इन्हीं के साथ? हाँ इन्हीं के साथ है जी। हाँ जी। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने प्लस टू कर रखी है जी। प्लस टू की? हाँ जी। कौन से स्कूल से? मैंने डीएनवी पब्लिक स्कूल उषा खान जी। तो आपके गाँव में जब स्कूल है तो आपने यहाँ से पढ़ाई क्यों नहीं की? देखो पांचवी तक स्कूल है जी, पांचवीं तक यहाँ पे पढ़े थे, उसके बाद वहाँ पे गए, और आठवीं तक भी नहीं हमारे गाँव में स्कूल जी, तो इसलिए वहाँ पे जाना पड़ता था, मजबूरी ये। मजबूरी थी जी जी, तो इसलिए वहाँ से करी जी, जी। और हमारा तो ये जी कि 20 साल होगी तब
हमारे अंकल जी पप्पी जी सरपंच बने थे 2005 में, तो तभी कुछ हमने देखा गांव में कोई विकास हुआ या कोई स्कूल की चार दीवार ये थोड़ी बहुत इन्होंने ही कराई, या कोई बिजली या कोई वाटर सप्लाई है इन्होंने, पानी की जो भी सुविधा इन्होंने ही कराई। एक हमारे मोहम्मदपुर गाँव है उसमें ना तो उस टाइम पर कोई बिजली थी नहीं कोई रास्ता था, तो इन्होंने जो भी इनके उसमें समय में हुआ इन्होंने करा, बिजली पहुंचाई, रास्ता थोड़ा बहुत बनवाया। उसके बाद और भी सरपंच रहे, दो दो बार सरपंच रहे भी, आज तक कुछ काम नहीं हुआ। नहीं हमारे जैसे हमें युवा है, नहीं कोई ओपनिंग जिम है, नहीं कोई खेल स्टेडियम है, कोई मतलब कैसी कोई सुविधा नहीं है जी। तो आपका इस बार समर्थन किसको रहेगा? पप्पी सरपंच को है फुल जी। बोजिस लोग भी मौजूद हैं, सीनियर हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर आपका शुभ नाम? वीर सिंह है, नंबरदार है जी। नंबरदार जी ये बताइए कि आपने जिंदगी अपनी गांव को दी है, आपको उम्र हो गई है, तो आपको क्या लगता है कि सरपंच जो भी चुना जाए वो किस आधार पे चुना जाए, और दूसरा कि क्या काम ऐसे हैं जो आप सोचते हैं कि आप देखना चाहते हैं ये जरूरी है उन्हें? इस आधार पे चुना जाए जो गांव का विकास करे जी। दो गांव लगते हैं इस पंचायत के अंदर जी, दोनों गांवों के रास्ते का विकास हो, बच्चे की पढ़ाई का विकास हो, स्कूलों का विकास हो जी। गांव में जैसे बारात घर हैं जी, वे बारात घर होने चाहिए, जैसे खेल का कोई स्टेडियम है स्टेडियम होना चाहिए जी, और जैसे हमारे यहाँ एक प्राइमरी स्कूल है 5वीं क्लास तक का जी, जिसमें चार कमरे हैं और दो कमरे आज तक बने हैं, उनकी छत नहीं पड़ी जी, है जी, बाउंड्री है। हमारा समर्थन सरपंच पप्पी से साथ रहेगा जी जी, और पप्पी सरपंच जो बढ़िया काम करता है और बढ़िया ही आगे करता रहेगा जी, और हमारी तमन्ना ये है कि हम आगे हमारे ये भाई साहब सरपंच पप्पी बने जी, गांव का सुविधा बढ़िया विकास रखता है जी जी। धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि लोग इन्हें ही सरपंच बनाए इस बार, ये सरपंच चुनाव में ये ही जीते। हमारा काफिला फिर चलेगा किसी और गांव की ओर, हम मुलाकात करेंगे, मुखातिब होंगे और नए सरपंचों से, नए भावी उम्मीदवारों से, और उनसे बातचीत में जानेंगे कि क्या क्या है सियासी सरगर्मियां गांव के अंदर, रणनीति कैसी है, चुनावी हलचल कैसी है, हम उनसे बातचीत करेंगे और आपको लेके आएंगे। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़ NCR और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।